शिवपुरी के जिला करेरा थाना पुलिस ने एक बार फिर स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 15 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। बता दें कि करेरा थाना पुलिस एक माह के भीतर 20 लाख रुपए के स्मैक जब्त कर चुकी है। करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो बाइक सवार गल्ला मंडी के पीछे स्मैक बेच रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम को पहुंचाया गया था, जहां पुलिस टीम ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनकी तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 15 ग्राम स्मैक को जब्त किया गया। पुलिस पूछताछ में एक युवक ने अपना नाम विवेक यादव पुत्र पवन यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम कारोठा, दूसरे ने अवनीश यादव पुत्र उधम सिंह यादव उम्र 19 साल निवासी कारोठा बताया था। दोनों आरोपियों के पास से 2,25,000 रुपये की कीमत की 15 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक बाइक को बरामद किया है। सर, करेरा में अवैध स्मैक और पकड़ी जा रही है पर डे, कल कितनी क्या स्मैक पकड़ी गई है, क्या पूरा मामला था? करेरा थाने में, न केवल करेरा थाने में बल्कि पूरे ज़िले में नारकोटिक्स के ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में करेरा थाने में लगातार अच्छी कार्रवाई किया है। लगातार 15 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 75 ग्राम तक भी हमने स्मैक पकड़ा है। कल 15 ग्राम स्मैक जो है दो व्यक्ति विवेक यादव और अवनीश यादव से पकड़ा है, जिसकी पूरी जो है जब्ती की गई है और उसमें विधानिक कार्रवाई की गई है।